हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है चने भटूरे की रेसिपी जो कि बहुत ही डिलीशियस बने थे। इसको बनाने के लिए मैंने एक मसलिन क्लोथ लिया, उसमें 3 चम्मच चाय पत्ती के डाले, उसको मैंने डाल दिया चनों में जो कि मैंने रात को सोक करके रखे थे। 2 कप चने में 6 कप मैंने पानी डाला, उसमें डाला बेकिंग सोडा, फिर आई हैव एडिड सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें खड़े मसाले डाले। मसालों में मैंने डाली है दालचीनी, तेजपत्ता, छोटी इलायची और मोटी इलायची, आप लोग लौंग भी डाल सकते हो। फिर मैंने तैयार किया मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी ली मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया। अब ये अनारदाना रोस्ट करके मैंने इसको हल्का सा पीसा है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद गरम मसाला डाला है, फिर मैंने डाला इसमें धनिया पाउडर, उसके बाद भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है मैंने, उसके बाद मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया। ब्लैक सॉल्ट डालने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर ज़रूर डालना है। उसके बाद इसको मिक्स किया। अभी मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, इसको मैंने हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली फ्लेवर के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी जिंजर और गार्लिक की प्यूरी को, इसको मैं अच्छे से भून के फिर इसमें डालूंगी अनियन की पेस्ट को। ये मैंने डाल दी अनियन की पेस्ट। अब मैं जो भी बना रही हूँ इसमें मैं कुछ भी कटा हुआ नहीं डाल रही, मैं इसमें पेस्ट ही डाल रही हूँ क्योंकि पेस्ट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कंसिस्टेंसी जैसी मेरे को चाहिए वैसी ही आएगी चनों की। ये भटूरों के साथ ऐसे ही चने सर्व होते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं। अब मैंने जो मसाला तैयार किया था वो डाला था इसमें, वो डालने के बाद मैंने इसमें टमाटो की प्यूरी को ऐड किया। टमाटो की प्यूरी ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर किया फॉर 5 मिनट्स ऑन स्लो फ्लेम। अब मैंने चने चेक करे, देखो चने अच्छे से कुक हो गए हैं, इसमें से मैंने खड़े मसाले बाहर निकाल दिया, मसाला मेरा तैयार हो चुका है। अब मैंने क्या किया, ये चने निकाल के मसाले में ऐड किया और थोड़ा सा पानी भी ऐड किया जो चने का ही पानी था, ठीक है। अब इसको 5 से 7 मिनट्स कुक कर लेंगे, दिखाएंगे दूसरा तड़का। दूसरे तड़के के लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला है, स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज डाली और गार्लिक डाला। ये डालने के बाद मैंने इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर डाला, फिर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, उसके बाद कसूरी मेथी जिसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था तवे के ऊपर वो डाल दिए। उसके बाद मैं इसको चनों के ऊपर डाल दूंगी, इससे चनों का एक तो कलर बड़ा अच्छा आएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, और दूसरी चीज़ इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चनों का। ये देखो चने हो गए हमारे रेडी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर फ्रेशली चॉप किया हुआ धनिया डाला और ये हमारे डिलीशियस चने हो गए हैं तैयार। चने देखो जी, कलर इतना अच्छा है और टेस्ट भी बहुत ही सही था, आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं भटूरे। भटूरे बनाने के लिए मैंने 3 कप लिया है मैदा, मैदा में मैंने डाली है सूजी। सूजी डालने के बाद मैंने इसमें डाली है शुगर, थोड़ी सी शुगर डाल के इसमें ऐड किया सॉल्ट, सॉल्ट के बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के बाद थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें डाला ऑयल, ऑयल डालने के बाद मैं इसका डो लगाऊंगी। अब डो कैसा होना चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती रहूंगी। डो मेरे को चाहिए सॉफ्ट, जो मट्ठी वगैरह बनाते हैं उसके लिए हमें हार्ड डो चाहिए होता है, बट जो भटूरे वगैरह बनाते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है सॉफ्ट डो। तो मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नीड किया और ऐसा बनाया कि ये नॉन स्टिकी हो जाए। मेरे को पूरे 15 मिनट लगे थे एक्चुअली। डो को रखेंगे हम लोग रेस्ट के लिए फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद बनाएंगे तो जो हमारे भटूरे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने पेड़ा ले लिया एक, उसको मैंने थोड़ा सा मैदा लगा के इसको बेलना शुरू किया। बेल के मैंने इसको जो भी शेप जैसे भी देनी थी वैसी शेप देके मैंने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया। ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए वरना भटूरों में बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा, इसीलिए ऑयल एकदम हॉट होना चाहिए। गर्म गर्म तेल में मैंने भटूरे को फ्राई करने के लिए डाल दिया। अब मैं करछी से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए। भटूरे जो हैं वो फूले हुए ही अच्छे लगते हैं, वो चपटे से भटूरे किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा भटूरा जो है, लुक एट दिस, गोल्डन सा कलर ऊपर आ जाएगा तो हमारा भटूरा हो गया तैयार। अब भटूरों को सर्व करेंगे पिकल्ड अनियंस और चनों के साथ। चने भटूरे हो गए हमारे तैयार, खाओ पियो और ऐश करो।